जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं नॉन वर्बल के अंतर्गत रीजनिंग, और रीजनिंग में करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ ये है कि हमको तीन चार ग्रुप में कुछ आइटम दिया जाएगा। एक ग्रुप में उसमें से जैसे मान लेते हैं एक चार का ग्रुप दिया, एक ग्रुप में चार आइटम है, उस चार आइटम में से तीन आइटम किन्हीं न किसी प्रकार से सेम है ना, उसका गुण हो गया, जो भी हो किसी न किसी गुण से वो एक है। लेकिन एक और जो चौथा नंबर का होगा आइटम वो कुछ अलग होगा है ना, वो अन्य ग्रुप के तुलना में कुछ अलग विशेष रखता होगा, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो तीन चार आइटम दिया होगा एक ग्रुप में, उनमें से कोई एक आइटम जो होगा या फिर एक ऑप्शन जो होगा वो अन्य से भिन्न होगा, उसी को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न में चलते हैं। तो आज के प्रश्न में पहला प्रश्न में क्या लिखा है ये देखिए। पहला प्रश्न में हमको पांच ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। इसमें ए में दो लकड़ी बनाई गई है, बी में लकड़ी, डी में लकड़ी। तो ए की में समानांतर रेखाएं हैं, बी भी समानांतर रेखा है, डी भी समानांतर रेखा और ई भी। लेकिन जो सी है वो समानांतर रेखा नहीं है। समानांतर रेखा का मतलब होता है कि समानांतर रेखा के बीच की दूरी कहीं भी समान होती है, चाहे आगे या पीछे या बीच में, ठीक है, तो होता है समानांतर रेखा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भिन्न है सी हमारा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए, यहाँ पे हमको पंचभुज बनाया गया है और पंचभुज के अंदर पांच स्टार है। ऑप्शन नंबर बी में त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज के अंदर तीन स्टार है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर चार स्टार है, और ई में भी चतुर्भुज और चार स्टार। लेकिन सी में देखिए यहाँ पे षष्ठभुज है और पांच स्टार बना दिया गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर यही है क्लासिफिकेशन के अनुसार ए सी एफ जे एच, ठीक है। अब क्लॉक ऑप्शन नंबर तीन में देखिए, जो ए है हमारा वोवेल है, सी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है और जे कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया ए, जो एकलौता अवस्था है वोवेल ए, ए एफ एच आई ओ। इसमें अब आप कॉन्सोनेंट भी नहीं मिला सकते, क्योंकि ए और आई ओ यू आपका वोवेल है और एफ और एच तो कॉन्सोनेंट है। अब कैसे नया दिमाग लगाएंगे, तो नया दिमाग देखिए इसका बनावट कैसे हुआ है। तो ए एफ एच आई का जो बनावट है किन्हीं न किन्हीं एक लंबी रेखा से बने, जैसे खड़ी रेखा ये ए बन गया, एफ रेखा, एच बन गया आई। लेकिन ये जो ओ है ना, ये ओ है एक रेखा से नहीं बना है, एक गोलाकार से बना है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का, गोले के अंदर छोटा गोला, फिर गोले के अंदर देखिए। अब इसमें देखिए एक बाहर का गोला है और अंदर छोटे छोटे तीन तीन गोले, इसमें भी तीन गोले, इसमें भी तीन गोले, इसमें भी तीन गोले और इसमें भी तीन गोले। लेकिन डी वाला ऑप्शन में हमारा कहीं भी गोला नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। छोटा नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर को हमको दिया गया है दो दो चार एक एक जीरो पाँच, है ना, ये कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है। अब देखिए हमारा ऑप्शन ये कैसे होगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कैसे होगा ये देखिए। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो ये हो जाता है छः, ठीक है। यहाँ इन दोनों को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा एक, ये दो और तीन को जोड़ने पर पाँच हो जाएगा, तीन और चार जोड़ने पर सात हो जाएगा, चार और चार जोड़ने पर आठ हो जाएगा। देखिए ये आठ मिल गया, ये सात मिल गया, ये पाँच मिल गया, ये एक मिल गया, लेकिन ये दो और छः का मिलन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर छः हमारा भिन्न है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है सातवां नंबर का प्रश्न। सातवां नंबर के प्रश्न में देखिए, सबसे पहले दो ठो गोले हैं, फिर वो गोले डबल होकर सीधा आड़ी हो गए, ठीक है। दो ठोज त्रिभुज है, डबल होके एक खड़ी हो गए त्रिभुज। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में, इसमें भी डबल हो गए और इसमें भी, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ना, ये कुछ अलग बन गया, ठीक है, ये कुछ अलग बन गया, ये एक ही प्रकार को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ए बी ई सी में अंतर कौन है, तो मुझे डी दिख रहा है, क्यों से, क्योंकि शेष में तो चार भुजा है, चार भुजा, चार भुजा, चार भुजा और चार भुजा, लेकिन डी में आपके तीन भुजा हैं, तीन भुजा होने की वजह से ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ये आरओ से भिन्न हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। अगला है देखिए वृत्त वाला, है ना, वृत्त वाला देखिए, ये सब हमारे चल रहे हैं कैसे, क्लॉक वाइज, ये भी हमारा क्लॉक वाइज चल रहा है, सी भी हमारा क्लॉक वाइज चल रहा है, क्या सी भी हमारा क्लॉक वाइज चल रहा है, लेकिन जो डी है वो एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है और ई भी क्लॉक वाइज चल रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर कौन हो गया, क्लॉक वाइज ये सॉरी
सी और ये हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा केवल डी चल रहा है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया डी। अब देखते हैं 10वें नंबर के प्रश्न को। 10वें नंबर के प्रश्न को कैसे लिखना है, इसमें भी आपको पांच ऑप्शन दिए हैं, पांच ऑप्शन में से कौन से सही है ये हमको बताने हैं। ठीक है, पांच ऑप्शन में कौन से अंक हैं जिनको बताने हैं। देखिए पांच ऑप्शन में से ये जो बिंदित है नीचे डबल लाइन दे दिया गया है, इसमें भी दो दो सर्कल है, सभी में दो दो सर्कल है, लेकिन इसका जो लाइन है वो समानांतर है, ये समानांतर ये है ना, बाकी शेष लाइन में कोई समानांतर नहीं है, कोई काट रहा है, कोई तो बीच में काट रहा है, कोई कोई जो इसको दो भाग में बांट रहा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए डी में, देखिए बी में ऑप्शन में देखिए ये दो रेखाएं जो आपस में काट रही है जो विकर्ण के रूप में काम कर रही है, इसमें जो और ई में भी दो जो रेखा आपस में काट रही है, डी में भी रेखाएं आपस में काट रही हैं और इसमें भी, लेकिन टेन में जो ए में जो ऑप्शन है वो रेखा समानांतर है और समानांतर रेखा आपस में कभी भी नहीं काटती दूसरे को, इस प्रकार से ये अलग हो गया। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये देखिए अगला प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बी डी और ई देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक वृत्त को एक बड़ा व्यास दो भाग में बांट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा जीवा है ना, ये हमारा जीवा है ठीक है, और ये वृत्त को दो भागों में नहीं बांट रही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ये भाग। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो ये एक दो तीन चार पाँच, ठीक है दो तीन चार, ठीक है ऑप्शन नंबर ये हो गया हमारा, इसको जोड़ेंगे देखिए ये पांच है और इसके सामने वाले को जोड़ेंगे तो ये हमारा पांच हो जाएगा, उसी प्रकार ये चार और एक को जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सात है और चार तीन सात हो जाएगा और पांच दो सात यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नौ है छह तीन नौ ये हो गया और पांच चार नौ जो ये सामने वाला हो गया, इसी प्रकार तीन और एक पांच हो गया और दो और तीन पांच हो गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ई में ये हो गया हमारा चार तीन सात, जबकि सामने वाला सात होना चाहिए था और ये भी आठ हो गया, तो इस प्रकार से ये कहीं भी फिक्स नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन हमारा यही सही हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इसमें क्या कहा गया है देखिए, इसमें भी हमको वही ऑप्शन देखते हुए जाना है। ठीक है, दो तीन पाँच, दो तीन चार पाँच, एक दो चार, ठीक है इसे भी कहीं फिक्स नहीं बैठ रहा है, तो इसको कैसे चेक करेंगे देखिए इसमें कौन सा पैटर्न काम करेगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, देखिए यदि इस बी को यदि मैं छोड़ दूं तो बाकी में देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है पांच तक। ठीक है, ये देखिए ये एक से स्टार्ट होकर पांच तक एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, ये एक से के स्टार्ट तक है ना, फिर एक से यदि स्टार्ट है सब एंटी क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज, जो हमारा बी ऑप्शन है ना वही हमारा ना तो क्लॉक वाइज है ना एंटी क्लॉक वाइज है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पी ई आई ओ यू, पी ई आई ओ यू, तो आई E I O U तो हमारा वोवेल है लेकिन P हमारा कॉन्सनेंट होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, तो एक दो तीन चार, चार पंखुड़ियां, एक दो तीन चार पाँच छः पंखुड़ियां, इसमें दो पंखुड़ियां, इसमें तीन पंखुड़ियां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें आठ पंखुड़ियां। अब ध्यान से देखिए ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन इस डी में विषम संख्या में पंखुड़ियां हैं तीन, बाकी में पूरे सम संख्या में आठ दो चार छह, इस प्रकार से विषम वाला ही हमारा आंसर हो गया, ये क्योंकि यही भिन्न है। अब देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, तो 16 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसमें हमारा ऑप्शन दिख रहा है हमको सी में, ठीक है लेकिन जहां तक मुझे पता है ये क्वेश्चन गलत है ना, ये गलत है, हम इसको बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है ए जेड एम एन सी एक्स के पी बी वाई एल ओ ओ एल बी वाई डी डब्ल्यू जे क्यू, डी डब्ल्यू जे क्यू, देखिए डी डब्ल्यू जे क्यू आ गया, तो इसमें अंदर कौन सा, ये देखिए ये जो हमारा ए जेड है और एम एन है ये हमारे उल्टा है ना, विपरीत है या फिर विपरीत कहलाते हैं, ये विपरीत अक्षर है,
सीएक्स और केपी विपरीत है, बीओ और एलओ भी विपरीत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एलओ और बीवाई ये हमारे विपरीत नहीं है। उसी प्रकार डीडब्ल्यू विपरीत है, जेक्यू विपरीत है ना, और जबकि ओ एल बी वाई विपरीत नहीं है, तो इसलिए हमारे विपरीत का मतलब होता है ए, यदि ए से लिखे जेड तक या जेड से लिखे ए तक तो वो एक समान होता है। अब देखिए विपरीत क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये एफ, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए मैं इसको अलग कलर से बता रहा हूँ, बाकी इसको विपरीत कैसे निकालना है ये आप भी निकाल पाओगे। एम के बाद होता है आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक्स वाई और ये जेड। देखिए ए का उल्टा हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा वाई, सी का हो जाएगा एक्स, डी का हो जाएगा डब्ल्यू, ई का हो जाएगा वी, एफ का यू, जी का टी, इस प्रकार ये विपरीत है। इसी प्रकार ये ओ एल बी वाई है ना, ये सीधा होना चाहिए, जैसे ओ एल आपस में विपरीत है लेकिन ये सीधा में होना चाहिए था, है ना, ये सीधा जैसे वहां पे लिखा है ना, ये सीधा में होना चाहिए था, जैसे एल ओ, इस प्रकार से ये सीधा में होना चाहिए, ये विपरीत लिखा गया है उल्टा, इसीलिए ही हमारा आंसर गलत हो गया। बाकी सब ए से जेड तक है, सी से एक्स हो गए, आगे बढ़ रहे हैं, बी से वाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये जबकि ओ से एल वापस जा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, अलग कौन सा है हमारा, ये चतुर्भुज। ये ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बाकी इससे ज्यादा टफ नहीं आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो देखिए ऊपर हमारे दो पंखुड़ी है और नीचे तीन इसके लकड़ी है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तीन लकड़ियां एक पंखुड़ी, ठीक है, तीन लकड़ियां एक पंखुड़ी। उसी प्रकार इसमें देखते हैं सी में, तो सी में देखिए इसमें क्या, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तो ये हमारे कुछ अंतर दिख रहे हैं, है ना, ये हमारे अंतर दिख रहे हैं इस प्रकार से। और इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहले क्वेश्चन मैंने पहले देख लिया था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो इमेज में दिख रहा है उसमें जो वृत्त है उसको बीचों बीच व्यास के माध्यम से काटा जा रहा है, जबकि ई सी ऑप्शन में व्यास नहीं है, वो जीवा है जो आधे बराबर भागों में वृत्त को नहीं काट रहा है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कौन से आपको अलग दिख रहा है, कौन से इसमें हमको अलग दिख रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेम सेम हमको दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया गया है सी को, है ना। अब सी कैसे अलग है ये देखते हैं दूसरों से, सी जो है कैसे अलग है औरों से, हम ये देखते हैं। इसमें हो सकता है इसमें कुछ एंगल का फर्क हो, है ना, हो सकता है इसमें कुछ एंगल का फर्क हो, तो मे बी इसमें एंगल का फर्क होगा, इसलिए इसमें सी ऑप्शन लिया गया, ठीक है। और इसमें जैसे ये डार्क शेडेड एरिया था, इसे डार्क हो नहीं पाया है, ये डार्क शेडेड एरिया है, ये सभी डार्क शेडेड एरिया है जो स्मॉल में दिख रहे हैं। अब इसमें भी हमको अंतर बताना है, ठीक है, इसमें भी हमको अंतर बताना है, अंतर कैसे बताएंगे ये देखिए, इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये राउंड ले रहा है वो क्लॉक वाइज राउंड ले रहा है, ठीक है, जो राउंड ले रहा है वो क्लॉक वाइज राउंड है, इसलिए हमारा सी हो जाएगा इसमें अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, 23 नंबर के प्रश्न में अंतर हमारा है इसमें सी। अब सी अंतर कैसे है ये देखिए, बाकी इसमें दो है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः और उसके बाद एक दो तीन चार, इसमें चार है, इसमें दो है अंदर पंखुड़ियाँ, इसमें छः है, और इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें आठ पंखुड़ियाँ। इस प्रकार से ये सी में विषम पंखुड़ियाँ एक दो तीन है, बाकी में सम पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी।
चौबीस नंबर प्रश्न देखते हैं। चौबीस नंबर में क्या है, एक वृत्त के अंदर वृत्त वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो वृत्त के अंदर एक दो तीन, वृत्त के अंदर दो वृत्त बनाया गया है, ठीक है। वृत्त के अंदर दो वृत्त बनाया गया है, इस प्रकार इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, लेकिन डी इसमें हमको अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें गेपिंग ज्यादा है, देखिए यहाँ पर स्पेस गेपिंग ज्यादा है, बाकी में स्पेस सामान्य है, इसमें स्पेस ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब ये प्रश्न देखिए कि इसमें हमको कौन सा अलग दिख रहा है। देखिए सब में अलग अंतर इसलिए दिख रहा है, देखिए अंतर क्या होगा, पैर को अगर देखा जाए तो ये इसका लेफ्ट पैर है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट, लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट चेंज हो गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 26 नंबर के प्रश्नों को देखिए। 26 नंबर के प्रश्नों में सभी में इस प्रकार से आपके क्या देख रहे हैं, इसमें हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक विकर्ण देखने को मिल रहा है ना, दो विकर्ण एक दिशा में, जैसे ये विकर्ण और तीसरा अंतर, इस प्रकार से इसमें देखिए ये तीनों एक प्रकार के हो गए, ये तीनों एक प्रकार के हो गए हैं। और इसमें देखिए इसमें भी कुछ अंतर है, इसमें दो विकर्ण एक साइड है और एक अलग है, लेकिन इसमें तीनों विकर्ण एक साइड है। पहले में देखिए ये दो विकर्ण एक साइड और ये अलग साइड, ये दो विकर्ण एक साइड और इसमें अंतर है, ये दोनों विकर्ण एक साइड और इसमें अंतर है, उसी प्रकार इसमें तीनों विकर्ण एक ही ओर है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये कुछ आपको सी को देखिए, ये बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार यदि हम ए की बात करें तो ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है और ये दोनों भाग छोटे हैं, लेकिन सी में सभी भाग को बराबर बांट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो बी है वो इस प्रकार चल रहा है क्लॉक वाइज, ये सी में भी क्लॉक वाइज है और डी में भी क्लॉक वाइज है, लेकिन ये जो ए में जो रेखा है वो एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, 29 नंबर में अंतर क्या है ये देखिए, ये सी एंड डब्ल्यू जेड, सी एंड डब्ल्यू जेड, इसमें अंतर हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, इसमें अंतर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, इसमें अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट फंक्शन में देखिए, लास्ट प्रश्न में ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्यों होगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन चैप्टर है यही पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।